नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम क्लास 7 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12। एक विषम बाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी तीन भुजाएं ए, बी और सी दी हुई हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज है, इसकी जो भुजाएं हैं वो विषम है, अर्थात एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर ये हमारे पास तीन भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये इनको विषमबाहु कहते हैं। तो इसकी क्या हमारे पास एक विषमबाहु त्रिभुज बनानी है, इसकी क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक ये भुजा दी हुई है, एक ये भुजा, तीन भुजाएं दी हुई है ए, बी और सी। अगर ये हमारे पास विषम है तो हमने इसकी हाइट छोटी बड़ी ले ली हुई है, ए बी, ए बी और ये आ गई हमारे पास सी। इस तरह से तीन अलग अलग साइज की हमारे पास भुजाएं दी हुई हैं और हमने क्या बनानी है, एक विषमबाहु त्रिभुज बनानी है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास रफ लेआउट था, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है वो हम ले लेते हैं। ए बी और सी तीन भुजाएं दी हुई हैं। हम तीनों भुजाओं को बारी बारी से एक एक भुजा के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। एक भुजा बी ले ली मैंने, इसको मैंने बेस मान लिया है, साइज दे लिया मैंने, प्रकार से साइज नाप लिया है। ये हमारे पास कितनी लंबी है, जितनी हमारे पास भुजा बी है, भुजा बी के बराबर हमने प्रकार खोला है। ये हमने ए बी, इस भुजा का नाम क्या दिया है, बी। बी को हम बी ली है तो हम देखते हुए चलेंगे साथ साथ में, उसके बाद अपनी मर्जी से ए सी कोई भी भुजा ले लेते हैं। ए बिंदु के ऊपर मैंने ए के बराबर प्रकार खोला था, ए भुजा के बराबर प्रकार खोला है, ए से चाप लगा दी है, डॉटेड में काम हो रहा है, और ये हमारे पास ए भुजा तो थोड़ा लंबा कर देता हूं। उसके बाद एक भुजा बचती है सी भुजा, इस भुजा को भी हम ले लेते हैं। अब हमने ये ए से काटी थी, ऑब्वियस सी बात है दूसरी भुजा हमारी बिंदु बी से कटेगी, इस पे भी हमने प्रकार रखा और इस तरह से चाप लगा दी डॉटेड में, जहां ये आपस में कटते हैं उसका नाम रख दिया हमने सी बिंदु। ए बी आ गया हमारे पास, सी बिंदु आ गया, सी को ए के साथ मिला दिया, सी को ही बी के साथ मिला दिया, और ये हमारे पास उत्तर भी है ये त्रिभुज। तो हम इसकी तीनों भुजाएं गहरी कर देते हैं, ये हमारे पास आंसर है। तो हमारे पास ये वाली जो भुजा ली थी हमने, ये कौन सी ली थी, ये थी इसके बराबर भुजा ए, और सी भुजा थी हमारे पास ये वाली, इसके नाम भी लिख लिए हमने एक विषमबाहु। इसमें जो तीनों भुजाएं हैं वो विषम है, कोई भी किसी के बराबर नहीं है, अर्थात सम भुजाएं किसी की भी नहीं है। ये देखिए कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो ये ए भुजा के बराबर हमने ये ली थी, ए बी भुजा के बराबर हमने इसका आधार बी लिया था तो हमने लिख लिया हुआ है बी भुजा के बराबर। उसी तरह से सी भुजा के बराबर हमने ये सी भुजा काट दी थी। ये हमारे पास एक विषम बाहु त्रिभुज आ गई जिसमें हमारे पास तीन भुजाएं ए बी और सी दी हुई थी। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।